हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10 से इंग्लिश प्रोज मैं पढ़ाने जा रहा हूं और मेरा विश्वास है कि आप इसे बखूबी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जैसे मेरा नाम प्रोज है, द इंग्लिश रीडर प्रोज। जैसे लेसन का नाम है, द नेम ऑफ द लेसन द एंचेंटेड फूल। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, एंचेंटेड मतलब होता है मायावी और फूल मतलब होता है कुंड या तालाब। पूरा लेसन का नाम हो गया मायावी तालाब या उसको कुंड कहते हैं। अब आ जाएगा अबाउट द लेसन, मतलब पाठ के बारे में क्या बताया गया है। चलो अबाउट लेसन पाठ के बारे में, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। मतलब यह लेसन जो है एक्सट्रैक्ट में होता है अवतरित, एक्सट्रैक्ट में अवतरित फ्रॉम द महाभारत में महाभारत, यह पाठ जो है महाभारत से अवतरित है। ओके अगली, इट रिफ्लेक्ट्स द करेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। इट रिफ्लेक्ट्स द करेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्म राज, हिज पेशेंस काइंडनेस लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। प्यारे बच्चों शब्दों को ध्यान दें, इट रिफ्लेक्ट्स में यह प्रकाश डालता है। हाँ यह प्रकाश ऐसे, हाँ यह प्रकाश डालता है किस पर, करेक्टर में चरित्र होता है आप युधिष्ठिर, यह युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है। यह युधिष्ठिर के चरित्र यानी धर्मराज, युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहते हैं। यह युधिष्ठिर के चरित्र धर्मराज पर प्रकाश डालता है और हिज पेशेंस और उनका धैर्य, उसका धर्म का धैर्य कैंडस में डालता है। अल्लाह फार इज ब्रदर्स मतलब अपने भाइयों के प्रति प्रेम, ठीक है अपने भाइयों के प्रति प्रेम पर प्रकाश डालता है। एंड इंटेलिजेंस और वह इंटेलिजेंस में होता है बुद्धिमता। यह यानी कुल मिलाकर के यह लेसन जो है महाभारत से अवतरित है और यह युधिष्ठिर जिसको धर्मराज कहते हैं के चरित्र, उनके धैर्य दयालुता, उनके भाइयों के प्रति प्रेम तथा बुद्धिमता पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट, द ही प्लेज्ड यक्ष बाय गिविंग लव फॉर हिज ब्रदर्स। ये प्लेज में वह प्रसन्न करते हैं कौन, युधिष्ठिर यक्ष को। यक्ष जो एक जिसको जवराज कहते हैं यक्ष के रूप में अवतरित हुआ था, वह युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए, और युधिष्ठिर जो है अपने प्रश्नों से यक्ष को प्लेस मनाता है प्रश्नचित करते हैं। बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर, यक्ष जो है सेटिस्फैक्ट्री में होता है संतोषजनक, संतोषजनक वह यानी युधिष्ठिर जो है यक्ष को अपने प्रश्नों से क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं और इस पर वह यक्ष जो है खुश हो जाता है। और द यक्ष नेक्स्ट, द यक्ष वाज प्लेस्ड और यक्ष जो है खुश होता है। अगेन युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, यक्ष जो है शब्दों को ध्यान दें, इम्पार्शियलिटी में होता है निष्पक्षता। यक्ष जो है युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर खुश होता है। और द यक्ष वाज यम, और यक्ष कौन था, यक्ष कौन था, तो यक्ष जो है यम जिसको जमराज कहते हैं, यक्ष जमराज था द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु का, जो मृत्यु का देवता जिसको कहते हैं वही यमराज थे। हूं है टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, हूं मैंने जो हाई टेकन मैंने रूप धारण किया था
यक्ष मतलब यक्ष का, जो यक्ष का रूप धारण किया था। टू सी किस लिए धारण किया था? टू सी मैंने देखने के लिए युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को आई टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। अर्थात जो यक्ष का रूप धारण किया था युधिष्ठिर को देखने तथा उनकी ज्ञान की परीक्षा के लिए यक्ष का रूप धारण किया था। बिंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर, बिंग मन होता है संतुष्ट होकर के, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होकर के, हिज आंसर मतलब उनके प्रश्नों से, सॉरी उनके उत्तर से संतुष्ट होकर के, ही ब्लेस्ड, ही मतलब आया है किसके लिए? यक्ष के लिए। यक्ष जो है खुश होता है, हिम मन उनसे, एंड और दिस एपियर्ड, और अदृश्य हो जाता है। हाँ प्यारे बच्चों, अभी भी जैसा कि मैंने पहला पहला पैराग्राफ पढ़ाया, यक्ष जो है वह युधिष्ठिर के प्रश्नों से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया, और डिसअपीयर मतलब होता है क्या मैंने अभी बताया, अदृश्य हो गया, गायब हो गया। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट, प्यारे बच्चों पे वर अटेंशन ऑन द वर्ल्ड, वेटेड मैंने होता है प्रतीक्षा किया, इंतजार किया, एंजाइटी मतलब होता है चिंता, और थ्रस्ट मतलब होता है प्यास, मतलब युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों की चिंता और प्यास से व्याकुल होकर के प्रतीक्षा किए। और उसके बाद कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, कर्स मतलब होता है अभिशाप, क्या उनको कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिए, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या उनको कर्स मतलब होता है अभिशाप दे दिया गया है, ओवर अथवा दे मतलब हुए, अर्थात पांडव स्टील मैंने अभी भी वांडरिंग मैंने घूम रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, एंड सर्च ऑफ वाटर मतलब होता है पानी, क्या वे अभी भी जंगल में पानी की खोज में घूम रहे हैं? कैन दे हैव बीन फेंटेड, पुनः इंटरप्रिटेशन का, कैन दे हैव बीन फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं या मूर्छित हो गए हैं, आर ओवर अथवा डाइड ऑफ थर्स्ट अथवा प्यास से मर गए हैं, अनएबल टू बियर, अनएबल मतलब होता है असहाय या असमर्थ होकर के, टू बियर मैंने सहन सहन करना, और दीज थॉट्स मतलब होता है इन विचारों को, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर के, आई एम ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और ड्रिवन में होता है आकर्षित होकर के, एंड एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट मतलब होता है अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर के, और इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर के और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर के, ही गेव अप वेटेड, ही गेव अप वेटेड, ही मतलब युधिष्ठिर के राजा है, उन्होंने गेव अप मैंने त्याग दिया, जो गिव अप होता है उसी का ये सेकंड फॉर्म है, जैसे गिव गिव गेव गिवन होता है, गेव अप का मेन वर्ब है, अप क्या है तो प्रीपोजिशन है। ही गेव अप वेटिंग मतलब उन्होंने इंतजार करना प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की फॉर हिज ब्रदर्स ने अपने भाइयों की खोज में आउट लुक में निकल पड़े, एंड दे पूल एंड द पूल होपिंग, और तालाब पर उम्मीद या आशा करते हुए, ओपन उम्मीद या आशा होता है, आशा करते हुए दैट कि ही माइट फाइंड देम, कि वे वहां
मिल सकते हैं। हाँ प्यारे बच्चों यहाँ तक, और ठीक इसका अगला पैराग्राफ जो है हम आपको अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।